हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम कामरान एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज माइंड स्केच। सो दोस्तों, आज हम जिस सॉन्ग पे अपना रिएक्शन देने जा रहे हैं वो तेलुगु सिनेमा की एक मूवी का सॉन्ग है और उस सॉन्ग का नाम है टेम्पर। इस सॉन्ग की अगर मैं कास्ट की बात करूं तो इसकी कास्ट में हमारे पास वंस अगेन एनटीआर जूनियर और इसके अलावा जो एक्ट्रेस इसमें नज़र आएंगी हमें वो काजल अग्रवाल होंगी। एनटीआर जूनियर की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टर भी हैं, इनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे डांसर भी हैं, लोग इनके डांस को काफ़ी पसंद करते हैं और इस सॉन्ग के अंदर भी हमें इनका डांस जो है बहुत बेहतरीन नज़र आएगा। तो हर कोई इन्हें जानता है, बहुत ही मशहूर एक शख्सियत हैं, गाना भी गाते हैं ये एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये डांस भी कर लेते हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं। ऑफकोर्स ये एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं तेलुगु सिनेमा में इस वक्त और हर कोई जानता है इन्हें। तो मेरे ख्याल से इनकी हम ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ, हम एक्ट्रेस की बात अगर करें काजल अग्रवाल की, तो ये उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है और तेलुगु सिनेमा में भी वो अभी काम कर रही हैं। बॉलीवुड में अगर हम देखें तो इन्होंने क्यों हो गया ना मूवी में अपना डेब्यू किया था जो 2004 में आई थी। इसके अलावा बॉलीवुड की हिट मूवीज़ भी इन्होंने की हैं, बॉक्स ऑफिस पे जो हिट रही हैं, स्पेशल 26 हो गई, सिंघम हो गई। ऑफकोर्स बॉलीवुड में भी इन्होंने एक अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, एक अपना नाम, एक अपनी पहचान बनाई और तेलुगु सिनेमा में भी इनकी एक अपनी पहचान है। तेलुगु सिनेमा में भी काफ़ी इन्होंने मूवीज़ की हैं जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही हैं, काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनका डांस काफ़ी पसंद किया जाता है, इनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट है इस सॉन्ग को सुनने की। सो गाइज, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब जाएँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफ है इस गाने को। ओह जबरदस्त, बहुत कमाल के स्टेप्स किए हैं एनटीआर जूनियर ने। सबको बचा ले, सबको बचा ले।
ले सबको बजा ले गाइस बेहतरीन गाना है, मतलब काफ़ी झुमाने वाला गाना था। मैं जब सुन भी रहा था तो वाकई में हाथ भी मेरे हिल रहे थे और मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहा था मैं गाना। बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है इसे, बहुत ही अच्छी म्यूजिक थी, डांस था वो भी बेहतरीन था दोनों का। NTR ने जो इसमें स्टेप्स लिए हैं, मैं समझता हूँ ये NTR के अगर टॉप 10 हम डांसिंग स्टेप्स उठा ले तो उसमें से ये एक मैं कह सकता हूँ कि इस गाने में हमें नज़र आएगा। तो काफ़ी मज़े का गाना लगा मुझे, बेहतरीन कोरियोग्राफ किया है। एक्ट्रेस की बात करें तो काजल अग्रवाल ने बहुत ही अच्छे से इनका साथ दिया है NTR जूनियर का। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिंघम मूवी वाली एक्ट्रेस है, ऑफकोर्स सिंघम में मैंने इन्हें देखा था और अजय देवगन के साथ रोल करते हुए, तो काफ़ी एक इनका अच्छा रोल रहा उस मूवी में। काफ़ी बॉक्स ऑफिस की वो हिट मूवीज़ में थी और अब उसका सिंघम रिटर्न्स भी उसकी आई और फिर आहिस्ते आहिस्ते अब आते जा रही है। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और आज मैं फर्स्ट टाइम इनको इस गाने में देखा हूँ तेलुगु सिनेमा में। मुझे पता चला कि ये तेलुगु सिनेमा की भी एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। फिर मैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि ये बॉलीवुड और तेलुगु सिनेमा दोनों की हिट एक्ट्रेस में से एक हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका कपल भी था, कोरियोग्राफ काफ़ी बेहतरीन किया है। बस एक चीज़ मुझे इसमें लगी कि कुछ जगहों पे NTR जूनियर ने, क्योंकि वो उनका डांस एक काफ़ी अच्छा डांस है, बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स लिए इसमें, कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगा म्यूज़िक बहुत फास्ट थी लेकिन वहाँ पे NTR ने जो स्टेप्स लिए थे वो बहुत स्लो स्लो लिए थे। मतलब मुझे ऐसा लगा वो म्यूज़िक से मैच नहीं कर रहे, बट डांस को अगर हम हटा दें कुछ चीज़ें, अगर कुछ स्टेप्स को हटाए तो ओवरऑल ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी बहुत अच्छा था और म्यूज़िक काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा रिदम वाला गाना था और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, और आई थिंक कोई भी इसे सुनेगा काफ़ी इन्जॉय करेगा। सो गाइस आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा और कौन कौन से NTR के सॉन्ग्स हैं जो आप चाहते हैं कि जिसपे माइंड स्केच अपना रिएक्शन दें। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद माइंड स्केच।